आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ क्वेश्चन में मैं एक रिएक्शन दिया है जिसमें ए रिएक्ट कर रहा है 3 बी के साथ और प्रोड्यूस कर रहा है 2 सी प्लस डी अब हमसे पूछा है इनमें से कौन सा ऐसा है ऑप्शन जो कि करेक्ट नहीं है ठीक है तो यहाँ पे हमें जो रिएक्शन दी हुई है और जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके बेसिस पे हमें यहाँ पे रेट ऑफ़ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को लगाना है यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो है ए और बी और जो प्रोडक्ट है वो है सी और डी ठीक है जब भी रिएक्टेंट डिसअपियर होता है तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइन लाते हैं डिसअपियरेंस शो करने के लिए और जब भी प्रोडक्ट अपीयर होते हैं उनको उनकी अपीयरेंस दिखाने के लिए पॉजिटिव साइन रखते हैं इन रेट लॉ एक्सप्रेशन तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए तो वो हो जाएगा माइनस डी ए अपॉन डी टी ठीक है फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी को हम लिखेंगे माइनस डी बी अपॉन थ्री डी टी थ्री डी टी क्यों लिखते हैं क्योंकि जो भी स्टॉइक्योमेट्री होती है वो यहाँ पे इधर आ जाती है डिनोमिनेटर में ठीक है इधर स्टॉक्योमेट्री वन थी तो इधर ये वन आ गया अब यहाँ पे है रेट ऑफ अपेयरेंस क्योंकि प्रोडक्ट है तो ये हो जाएगा प्लस डी सी बाई टू डी टी और ये इक्वल टू हो जाएगा प्लस डी डी अपॉन डी टी ठीक है तो ये हो गया क्या ये हो गया रेट का एक्सप्रेशन ठीक है तो यहाँ पे फर्स्ट हमें ऑप्शन दिया हुआ है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी तो अगर हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए देखें तो ये क्या है माइनस डी ए अपॉन डी टी क्या ये इक्वल टू है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी के तो यस ये स्टेटमेंट तो है करेक्ट ठीक है ठीक है तो ये स्टेटमेंट है करेक्ट फिर हमें दिया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी तो अगर हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी की बात करें दैट इज डी सी अपॉन डी टी ओके अगर मैं इस टू को यहाँ ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू अपॉन थ्री डी बी अपॉन डी टी तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी किसके बराबर हो गया टू अपॉइन थ्री टाइम इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया देन थर्ड हमें दिया हुआ है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी तो अगर मैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी की बात डी की बात करूं तो ये हो गया प्लस डी 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 अपॉन डी टी ये किसके बराबर है ये बराबर है माइनस वन अपॉन थ्री डी बी अपॉन डी टी ठीक है तो ये हो गया वन अपॉइंट थ्री इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया लास्ट में हमें दिया हुआ रेट ऑफ डिस ऑफ ए इज इक्वल टू टू इंटू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया क्यों इनकरेक्ट हो गया क्योंकि अगर हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए की बात करें तो ये माइनस डी ए अपॉन डी टी ये बराबर है वन अपॉइंट टू इंटू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ठीक है अगर हम इस एक्सप्रेशन से देखें टू टाइम्स नहीं है ये वन बाई टू टाइम्स है ठीक है ये रहा है यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा और यही इनकरेक्ट है ओके okay? तो ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा थैंक यू क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी जेई मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऑप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर